हाय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइव स्टडीज़ में। मैं लेके आया हूँ करेंट अफेयर्स दिसंबर का लास्ट वीक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो ऑप्शन बताएंगे क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन है सी, ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में जो हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की है। आपको मैं बता दूं कि इस घोषणा के मुताबिक करीब 15 एकड़ भूमि में फैला यह स्टेडियम कहां पर बनने वाला है, बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाई जाता है? तो ये आपका आंसर क्या है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 2000 को पूरे भारत में इसको गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 दिसंबर 2014 को श्री वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नागरिक पुरस्कार क्या था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस घोषणा के बाद मोदी सरकार ने एक घोषणा की कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? बता सकते हैं आंसर क्या है, आंसर है धर्मेंद्र। ठीक है ना, धर्मेंद्र को अमेरिका ने के लाइफटाइम अवार्ड दिया गया है। ये मशहूर सीनेट और महासभा द्वारा परिषद संयुक्त विधायकी प्रस्ताव द्वारा अमेरिका में न्यू जर्सी द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धर्मेंद्र को यह सम्मान हिंदी सिनेमा में अपने खास योगदान के लिए दिया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले ये पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। अनदर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या है, आंसर है कौन सा, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रति वर्ष यह 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यह 2000 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को पहली बार मनाया गया था, सन 2000 में पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान देने वाला है। 15 मार्च को वर्ल्ड का मनाया जाता है। ठीक है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए मूव करते हैं अपने अनदर क्वेश्चन की तरफ। अनदर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शमसु रहमान फारूखी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो आंसर क्या है, आंसर है कवि। ठीक है, आंसर क्या है, ये कवि थे।
ये कवि उर्दू के मशहूर साहित्यकार कवि हैं और आलोचक शमसुर रहमान फारूकी का उम्र जो हुआ है वो है 80 वर्ष। कितने वर्ष के थे ये? 85 वर्ष के थे, ठीक है। तथा शमसुर रहमान को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। शमसुर आजम की जन्म जो था 30 सितंबर 1935 को किस राज्य में हुआ था? यूपी, ठीक है। और ये मरे कब हैं? इनका जो डेथ हुआ है 25 दिसंबर को 2020 को। तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए का ग्रेजुएशन का डिग्री किया था। चलिए मूव करते हैं अपने अनदर क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एसोचम के नए अध्यक्ष बने हैं? आंसर क्या है? विनीत अग्रवाल है। तो अब आंसर ये बनता है कि एसोचमो ये कहाँ पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1920। ये किसकी जगह लेंगे? इन्होंने हीरा नंदी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी निरंजन हीरा नंदानी जी हैं, उनका जगह लेंगे, उनके जगह पे इन्हें किया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनका फोटो आप जो कभी जो मरे उनका फोटो है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है चौधरी चरण सिंह, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह हम बता दें आपको कि 23 दिसंबर को ठीक है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाने का शुरुआत 2001 से हुआ था। ये कब से हुआ था? शुरुआत कब से की गई थी मनाने का? 2001 से शुरू की गई थी। चौधरी चरण सिंह के देश में जमींदारी प्रथा खत्म की थी। पहला चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी प्रथा को खत्म की थी। वो देश के जाने माने किसान नेताओं में से एक थे जिसका राष्ट्रीय राजनीति में योगदान अहम है, याद रखिएगा। और कुछ तथ्य मैं बता दूं, 23 दिसंबर ठीक है 1902 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हापुर कहाँ पे है? ये हापुर है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इनका जो मरे कब थे? 29 मई 1987 को। कहाँ पे मरे थे? दिल्ली में मरे थे। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सुगत कुमारी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध मलयालम हैं, मतलब है क्या थी, तो क्या है ये? थी कवि, ठीक है, कवि थी। इनका जन्म जो हुआ था 22 जनवरी 1934 को हुआ था। मरी कब? 23 दिसंबर 2020 को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, इनका फोटो आप देख सकते हैं, ये हमारे पंडित चौधरी चरण सिंह जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अमर सिंह कॉलेज जिसे यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता प्राप्त की है किस शहर में स्थित है? वो शहर है श्रीनगर। श्रीनगर का ये कॉलेज है, ठीक है, जिसे ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम पर अंग्रेजी कविताओं के संग्रह ओ मिजोरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर क्या है? आंसर है ए पी एस श्रीधर पिल्लई। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनका फोटो भी आपको दिखा दूंगा अभी, कि ये केरल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तथा ये हाल ही में मिजोरम का, मिजोरम जो है, ठीक है, मिजोरम का राज्यपाल, राज्यपाल मिजोरम का राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। ये मिजोरम के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। ये इनके फोटो है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।